दीपू का वैक्स चल रहा है, मम्मा का कर दिया, मम्मा ने क्या क्या करवाया, पेडिक्योर, हेयर कलर और पेडिक्योर और बस। और दीपू के हाथ की वैक्सिंग हो जाए, उसके बाद फिर मैं करवाऊंगी अपना पेडिक्योर वैक्सिंग। एंड ये ना मेरे को किट आई हुई थी, पता नहीं बहुत पहले से कहाँ से किसी ने भेजी थी मुझे, फिर कभी कुछ आया ही नहीं वीडियो बनाने का, तो मैंने कहा चलो इसको यूज़ कर लूँ। इसमें मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, क्योंकि ये ना कुछ ऐसे एक्टिवेटर सिरम भी मिला है, मैंने कहा चलो करके देखते। और वैसे में भी ये क्लेम कर रहा है कि ये किनोवा ब्लेमिश स्किन न्यूट्रिशन है, तो मैंने कहा चलो कर लो। अभी तो वैसे मेरे फेस की बहुत बुरी हालत हो रही है, मतलब वैसे तो क्लीन हो गया है लेकिन बस पिंपल के थोड़े से निशान है। वेलकम बैक टू माई चैनल स्टे सैसी व्लॉग्स। एक मिनट, पानी भर गया। सो अभी किचन में बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है, बिकॉज फाइनली मम्मी पापा मतलब जसमीत के मम्मी पापा कैनेडा से वापस आ गए हैं, और दो तीन दिन हो गए उनको आए हुए, वो अभी क्वारंटाइन थे, मतलब घर पर आ नहीं रहे थे, क्योंकि अभी कोरोना आपको पता चल रहा है वायरस, कोरोना वायरस वापस से आ गया है, तो वो थोड़ा सा कह रहे थे कि हम बाहर से आए हैं, अभी हम थोड़ा सा दो तीन दिन घर पे, घर की थोड़ी सी सफाइयाँ वगैरह भी करेंगे। तो जसमीत करवाए आई थी उनके आने से एक दिन पहले, बट फिर भी थोड़ी डस्टिंग वगैरह होती है, तो आज वो हमारे घर पे डिनर पर आ रहे हैं, तो किचन में बहुत जोरों शोर से तैयारी चल रही है। चलो मैं जब तक आपको वो दिखाती हूँ और क्या क्या बन रहा है वो भी बताती हूँ, और शाम को मिलवाऊंगी आप लोगों को मम्मी पापा से, ठीक है चलो। और इसके साथ साथ इसकी शरारत चलती रहती है, जे लेके जा रही है चाची का, इधर आ जाओ। सो ये देखो भाई क्या क्या बन रहा है, ये अच्छे तो अभी दोपहर का खाना बन रहा है, सब दोपहर का बन रहा है क्या अभी, ये क्या है, काले चने। मैंने फटाफट से किचन में आ गई, चटनी हमारी बन गई है, ये बहुत टेस्टी लगती है, हमारा भी बहुत पसंद है। और यहाँ शाही पनीर का भी मैंने सब कर दिया है, कि ठंडा होगा मैं डालूंगी, बाकी सब सामान तो मम्मी ने बनाई थी ना, दाल बन गई है, मेरे दाल बनी है, इसमें छोले हैं काले। और बोलो मैं कैसी लग रही हूँ दादी, मैं चश्मा भी उठा कर लगा लिया, चश्मा मारे तरह लग रहा गोवा जा रही, बोलो कैसी लग रही हूँ मैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा है गोवा वाले बीच पे जा रही हूँ, बाल बाल कपड़े वपड़े सब, बोलो चाची और मारे ने तो पिंक पिंक पहन लिया, कितनी प्यारी फ्रेश खुशबू आ रही। इधर पकोड़े की तैयारी चल रही है, इधर दीदी का पनीर बन चुका है, और इधर दीदी का क्या चल रहा है, रायते की रेसिपी, स्पेशल रायता, मम्मी ने तो दीदी का मम्मी ने सब पकोड़े बना लिए, दीदी का स्पेशल रायता वो भी कहोगे, जसमीत ने कुछ नहीं बनाया था, जसमीत ने दोपहर का लंच उसने बना के खिलाया, तो काम में लगे थे, क्या पुलाव, मुझे पुलाव खाने के पड़े ना, और ये चटनी दही वाली, और जसमीत और मम्मी ने ही मिलकर करी सारा, क्योंकि मैं अंदर वैक्स करवा रही थी और मैं किचन में घुसी हूँ, तो मैंने बोला आप लोग किचन से जाओ बाहर, मम्मी ने उसका पकौड़े बनाएंगे, मैंने अपने लिए बैंगन भी निकाले में लगाएंगे, अच्छा सा नहीं मिला मुझे दिखाई, तो मैंने कैसा था, मैंने कहा कोई बात नहीं, दीदी का बैंगन हो रही है, पर मैंने कहा कौन सा फ्राई होकर तो उसने ऐसे ही हो जाना है ना, पानी आ रहा है चलेगा, सही दिखता है ना, व्हाइट व्हाइट में जो कलर देख सकते हैं, बस सही है। ये वाली क्या तैयारी हो रही है, सेव पूरी अलग के पकौड़े, मेरे बैंगन भी याद रखना, मेरा बैंगन बेचारा इसकी हालत क्या हो गई है, देखो अंदर से वेट नहीं कर सकते थोड़ी देर। गाइस अभी हमने सारे पकोड़े करके रख लिए हैं हाफ डन, और जब मम्मा पापा आएंगे तब हम बनाएंगे, ये देखो ऐसा लग रहा है आज हमारा पकोड़ों का बिजनेस है अपना, पालक के, बैंगन के, प्याज के और आलू के भी बनाने थे, बट जब मैं शाही पनीर मैंने बनाया तो
मैंने पूछा मम्मा से, शायद मम्मा का ध्यान नहीं गया, मैंने फिर सारा पनीर पूछा भी मैंने कि सारा पनीर डालना है, फिर ये आई हुई थी तब वो डांट खा रही थी, फिर मैंने सारा पनीर डाल दिया उसमें शाही पनीर में, वरना पालक पनीर के भी बनाने थे। बस वेट कर रहे हैं 7 बजकर। बच्चे का ना स्टाइल ख़त्म नहीं होता, नमकीन कभी डाइनिंग टेबल में बैठ के खानी है, कभी लेट के खानी है, क्या है हो गए। मायरा नमस्ते, तैयार हुए थे, इतने तेज लग रहे हैं। नमस्ते अंकल, शादी कहाँ कर रही है अपने टाइम, शादी से पहले चले गए, पर मिल के ऐसा लग नहीं रहा नहीं। मैं ले गया, पागल है, मिल ले, जा मिल ले, जा ना, अरे जा मिल, कैसे हो? नमस्ते, ठीक हो गई प्रॉब्लम इसकी? वीडियो डालना पड़ता है। ओ बड़ा हैवी है ये तो। गिफ्ट आपने गिफ्ट बोल दिया ना तो उससे रुका मारे ना, वो चाची का, वो चाची का, चाची का, अरे वाह, कल तो यही लेके जाएंगे, कल तो यही लेके जाएंगे, और ये देखो मायरा के शूज, ओ माय गॉड, बहुत बड़े, हाँ कोई नहीं आगे काम आ जाएंगे ना, करिए। और ये मम्मा का परफ्यूम, ये तो दीपू का पक्का पक्का, अरे परफ्यूम मेरे पास दोबारा, तू भी मेरे लिए दुबई से परफ्यूम लाई है, और ये तुम्हारी कार में लगाने के लिए आगे भालू। दिखाओ मैं करूँ, मैं ओ बेटे पनीर, पनीर शाही पनीर आपका फेवरेट बेटा, देखो यहाँ पे डाल खीर ठंडी ठंडी, उसके बाद यहाँ ऑर्डर हो रही है आइसक्रीम ठंडी ठंडी, एप्रिकॉट अंजीर और वो है सीताफल करने। रोहित कह रहे हैं आप क्या बताओ इसकी उम्र क्या होगी, 70 किलो होगी, 65 की तो होगी कहते हैं, तो कहते कोई कल पूछ रहे हैं, पूछा उसे जो जल्द वाले आई, कहते अंकल कह रहे हैं आपकी उम्र जो है 60 और 65 साल की, वो क्या करी एकदम गल रहा गई, इतनी की बड़ी और शीशे के आगे गई अपने बाल बोल चेक करके, शीशे में कहती हूँ कि नहीं मैं इतनी तो नहीं, इतनी की लगती हूँ, कहती नहीं मैं तो इतनी की हूँ, फिर वो अपने घर गई, घर जाके अपनी लड़कियों से पूछती है मेरी मैं क्या बूढ़ी लगती हूँ, उसको इतना बुरा लग गया, कहती नहीं, कहती वो उन्होंने बोला आप 65 साल की लगती हो, तो मेरी उम्र तो इतनी है, अब वो जब भी आती है बन ठन के आती है अपने, अच्छा बहुत प्यारी गोरी है, बताओ पापा आप भी पूछ रहे थे, आप बताओ मेरी क्या उम्र है, हाँ मेरी को बताए नहीं, बता पापा को तो मुंडा कहते हैं, पापा का ना नाम फ्रेंड्स ने ना कनाडा में रखा है मुंडा, में सब्जी जाने लगते हैं वो, हैं हाँ वीडियो देखी है मैंने, तो छोटे भी हैं जो बूढ़े हो चुके हैं, पापा की उम्र के से जो बड़े छोटी उम्र के हैं वो बंदा बहुत अच्छा, वो भी अपने पास गोरे सबसे अच्छे हैं, है ना, हाँ गोरे भाई मिलनसार है और ठीक चलते हैं, वो भी अपने गार्डन को बिल्कुल ग्रीन, हां हां लेकिन गरीब में दादी फिट नहीं है, मैं बैठ के कहती नहीं मैं बिल्कुल ना, यहां पे आप स्मॉल हो ना, इस पे दादी नहीं आएंगी फिट, आप बिग नहीं हो मैं स्मॉल हूँ, मेरा बुड्ढी अम्मा कैसे चलती है, क्रैब कैसे चलता है, क्रैब ऐसे उंगलिया, सॉरी मेरा मेरा नच पंजाबन सुना दो, नच पंजाबन
नच पंजाबन सुना दो, नच पंजाबन, मारा नच पंजाबन। वो कहाँ आता है इसको? अरे आता है बहुत अच्छा, मारा नच पंजाबन आता है ना, मारा नच। अभी दादी को इसका कर रही थी। हाँ सही सही बातचीत चल रही है पापा, पता नहीं क्या ही समझा रही है आपको फोन में। अरे वो चाची का है, चाची का है भाई। बाय, हगी करके, हगी करके, आपकी टैडी भी है, हगी को ले जाओ, अब लेके जाना है। अच्छा पानी तो कर लो, क्या लेके आए हो, क्या लेके जा रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, सब कुछ बताओ। मिठाई खाएंगे, बोलो मिठाई खा लेना। ओके नानी से पूछा करना, इधर तो आजा मॉम की, इधर आजा, नहीं पारी तो कर लो। अच्छा हगी हगी करके बाय तो कर दे मायरा, मैं जा रही हूँ। इसको मत देना ठीक है, चॉकलेट रहने दो, जा रही हूँ। हगी करके बाय करो, हगी करो, हगी करो, हगी 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 नानी से, बाय बाय नानी से, पारी नहीं नानी के पास, पारी नहीं। ओ, मेरे यार। अरे अरे